गुड मॉर्निंग। अच्छा ज्वेंटी, और हम मंदिर आए थे, अभी मंदिर में दर्शन किया और आज का ग्रेटिट्यूड वॉक। आज एक्चुअली रास्ते में आते वक्त भी मैं जब कार में थी तो भी मैं बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कर रही थी। इतनी सारी चीज़ें हैं, हर श्वास के साथ आप ग्रेटिट्यूड करो ना तब भी पूरा नहीं होगा। जो हमें भगवान देते हैं ना, हम तब भी उनका पूरा थैंक्स नहीं कर सकते अगर हम हर श्वास के साथ शत शत बार उनका थैंक्स करें तो। सो थैंक यू भगवान जी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कितनी ब्लेस्ड लाइफ है मेरी। मेरे मन में आया मुझे मंदिर जाना है और मैं उठी और चल दी, है ना। सो थैंक यू सो मच भगवान जी इस फ्रीडम के लिए कि मैं जब चाहूँ आपके दर्शन करने आ सकती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स सब कुछ इतना ब्यूटीफुल करने के लिए। टाइम से बच्चे स्कूल चले गए, टाइम से मैंने सब घर का जो आने से पहले करना था वो कर लिया। थैंक यू सो मच इन कंफर्टेबल वेदर के अनुकूल कपड़ों के लिए कि जिनको पहनकर मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ और मैं घर से निकली और मैं अच्छा भी फील करती हूँ। थैंक यू सो मच इन पीस ऑफ ज्वेलरी के लिए जो मुझे मेरे वुमन होने का एहसास दिलाते हैं, जो मुझे इस बॉडी वुमन की बॉडी लेने इस बार जो मैंने वुमन की बॉडी ली है, मेरी आत्मा ने वुमन की बॉडी ली है, उसको सेलिब्रेट करने में मेरी हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू सो मच इस कार के लिए, इस कार के अंदर अनुकूल वेदर के लिए। अभी बाहर काफ़ी गर्मी है और कार में एसी होता है तो मैं कंफर्टेबली जा सकती हूँ जहाँ जाना चाहूँ। थैंक यू सो मच उन टोल कंपनीज के लिए जिन्होंने जिनके कंट्रीब्यूशन से इतने अच्छे रोड्स बने हैं जिसमें मुझे एकदम स्मूथ और सीनिक ड्राइव मिलती है, जिससे मैं अपने इष्ट का, अपने प्रभु का दर्शन करने आ सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू सो मच इन पेड़ों के लिए जो हवा को साफ रखते हैं, जो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा रखते हैं हवा में और जिनकी वजह से छाया थोड़ी थोड़ी हमें शेड्स भी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इन श्वासों के लिए जिनकी वजह से मैंने आज का एक और दिन देखा। थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू सो मच। वाओ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। ऑब्वियसली जब हम प्रभु से बात कर रहे हैं तो किसी न किसी रूप में तो आकर दिखेंगे ही ना, स्पेशली बटरफ्लाइज के रूप में तो बहुत बार दिखते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रभु। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब हमारे पास सब कुछ होता है ना, हम बहुत ग्रांटेड लेने लगते हैं, हम भूल जाते हैं कि इस चीज़ की एब्सेंस से क्या होता है। अगर ये चीज़ हमारी लाइफ में ना हो तो क्या होता है। इस बार मैंने अपने फादर के कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड किए थे, कभी शेयर करूँगी आपके साथ। मेरे फादर का आपने वीडियो में नोटिस किया हो तो, आई डोंट नो, व्लॉग में आपने देखा हो, व्लॉग चैनल पे लाइव पहला बंडनारी व्लॉग चैनल है, उसमें मैंने पंजाब का व्लॉग डाला था, उसमें देखा होगा। मेरे फादर की ना जो आर्म है वो फ्रैक्चर हो गई थी, तब मैं 4 साल की थी। फ्रैक्चर हो गई तो राइट हैंड जो उनका बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, बिल्कुल स्ट्रेट रहता था, तो वो कुछ भी काम राइट हैंड से कर नहीं सकते थे, सिर्फ लेफ्ट हैंड से करते थे उस समय पे। वो ड्राई और कुछ नहीं कर सकते थे। हमारा तो जो जीविका है वो सिर्फ खेती, फार्मर हैं वो लोग, है ना। तो फार्मर को तो हर बार इतना कुछ हाथ से करना है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं लेकिन कहीं बोलते हैं पंजाबी में, तो वो चलानी है, खेत में काम करना है, तो वो नहीं कर सकते थे। तो हमारी ज़मीन इकट्ठी थी क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली थी, 5 भाई थे ये लोग, तो बाकी सब ने बाकी काम संभाले और मेरे पापा ने सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर का काम संभाला। तो वो एक हाथ से ट्रैक्टर चलाते थे, तो वो तो ट्रैक्टर था ठीक है, रोड में था, खेत में था, इतना सेफ्टी इशू नहीं है। लेकिन आप सोचो, हम में से एक, अगर हमारा एक हाथ काम नहीं करता है तो हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, हम कैसे कोई काम कर सकते हैं, है ना। तो वी शुड नॉट फॉरगेट टू से थैंक्स टू भगवान। मैं यूनिवर्स को, भगवान को थैंक यू करती हूँ कि मेरे दोनों हाथ, दोनों आर्म्स सही सलामत उन्होंने रखे, जिसकी वजह से मैं आराम से ड्राइव कर सकती हूँ, आराम से अपने सारे काम कर सकती हूँ। मेरी मदर के जाने के पहले 6 मंथ्स जब तक वो बेड में थी तो उनका राइट हैंड और राइट फीट नहीं चलता था, तो उन्हें कितनी फ्रस्ट्रेशन होती थी। उनको सब कुछ बेड पे मिल रहा था, है ना, तो ऐसा तो है नहीं था कि वो भूखे थे, लेकिन फिर भी उनको कितनी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि अगर मुझे भगवान ने कोई अंग सलामत दिया है तो वो चलना चाहिए, राइट। तो जब किसी के साथ ये चीज़ होती है ना, जिसकी लाइफ में जो एक्सपीरियंस करता है ना, उसको उसका मोल पता चलता है कि हमें पता ही नहीं चलता। मतलब किसी से बोलो ना कि आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो, आप थैंक्स करना शुरू करो भगवान का, तो लोग कहते हैं ना जी हमारी लाइफ में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो हम थैंक्स करें। अरे अगर हम थैंक्स करना शुरू करते हैं ना तो करोड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मिलेंगी।
हर चीज़, अगर आप जिंदा हो, अगर आप अपनी फैमिली को देख पा रहे हो, अच्छी बुरी जैसी भी, तो आप, सौभाग्य है आपका, प्रभु की कृपा है आप पे, यूनिवर्स की दृष्टि है आप पे, तो इसी वजह से हम देख पा रहे हैं। सो वाई हमें क्यों भूलना चाहिए ना थैंक्स करना। सो थैंक यू सो मच प्रभु, मेरे बॉडी के सारे अंग तंदुरुस्त रखने के लिए, जिसकी वजह से मैं अपने सारे काम बहुत स्मूथली ईजिली कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच इन प्यारी प्यारी आँखों के लिए, जिनकी वजह से मैं क्लियर विजन देख पाती हूँ ड्राइविंग करते समय, काम करते समय, आपसे बात करते समय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते है ना, तो हमें एक्सप्रेशन, जब ये चीज़ भी मेरी मदर के साथ हुई थी, जाने से एक महीना पहले से उनकी आवाज़ बंद हो गई, तो वो बोल नहीं पाती थी, वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। वो बोलना चाह रही थी लेकिन उनके वर्ड्स, उनकी वाणी, शायद उनके थॉट चक्र में कुछ हुआ, आई डोंट नो, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। तो हम कितने लकी हैं कि हम अपनी बात कह पाते हैं। हमारे पास भाषा है, जिन्होंने भी बनाई भाषा, जिन्होंने भी इवॉल्व की समय के साथ, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम अपना जो मन के विचार हैं, मन की फीलिंग्स हैं, उनको भाषा के रूप में कह सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल टंग के लिए जिससे हम बोलते हैं, थैंक यू सो मच इन ब्यूटीफुल दांतों के लिए जो वर्ड्स को क्लियरली बोलने में हमारी हेल्प करते हैं, थैंक यू सो मच इन ब्यूटीफुल लिप्स के लिए जिनकी वजह से शब्द शब्द लगता है। सोचो अगर लिप्स नहीं हो, बोल के देखो कोई शब्द, थैंक्स बोल के देखो, चलो थैंक्स है ना। तो हम भूल ही जाते हैं, मतलब इतना कुछ है हमारे पास, हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक्स करने। अब कोई पूछेगा इन छोटी छोटी चीज़ों से थैंक्स करने से क्या होता है? जहाँ आपका फोकस जाएगा, आपका फोकस जा रहा है थैंक्स करने में। पता है आपको आज मेरे मन में क्या इंट्यूशन आई? मुझे ऐसी इंट्यूशन आई कि मुझे दो बार ग्रेटिट्यूड करना चाहिए आजकल। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मुझे दो बार ग्रेटिट्यूड वीडियो बनाना चाहिए। तो आई ट्राई माई बेस्ट है ना दो बार ग्रेटिट्यूड वीडियो बनाने में, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार में मेरा ग्रेटिट्यूड पूरा नहीं हो पाता। पूरा तो शायद कभी भी नहीं हो पाएगा, इतनी कृपा है भगवान की, पूरा तो कभी भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जितना मैं हो पाऊँ, एटलीस्ट जितनी देर आप वीडियो देखते हो उतनी देर तो मन में ग्रेटिट्यूड निकलता होगा ना। इतने सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि वीडियो के साथ साथ वो थैंक यू करने लगे हैं। आपने एक फ़नी वीडियो देखी होगी मेरे इसी चैनल पर, जहाँ पर मैंने अपनी मेरी बड़ी सिस्टर हैं, मेरी कज़न हैं, उनके साथ हमने छोटा सा मिनी एलो सेशन किया था। तो मैंने उन्हें बोला कि बहन जी आपने क्या सीखा, तो उन्होंने बोला थैंक यू कहना। सो दैट वाज सो फनी। तो सिर्फ कहने की बात नहीं, आप कोई बात नहीं, हम शुरुआत सिर्फ कहने से करो। अंदर फील नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, सिर्फ कहने से थैंक्स करो, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका खून साफ हो गया। खून साफ हो गया मतलब कब आपके रोम रोम में थैंक्स चला गया, कब आपके रोम रोम में प्रभु के लिए धन्यवाद चला गया, कब आपके रोम रोम में भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड चला गया, भगवान के लिए, यूनिवर्स के लिए, या उनकी जो भी फॉर्म को आप मानते हो, जो भी आप मानते हो कि कोई एक सुप्रीम एनर्जी है, एक या मल्टीपल, जो ये सब कुछ ड्राइव कर रही है या जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है ना। तो थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच इतना मुझे करेज देने के लिए। आपको पता है इस हौसले को जिताने में मुझे बहुत साल लग गए, कि मैं इस हौसले के लिए, इस ट्रस्ट के लिए, मुझे लगता था सभी लोग तो ऐसे ही तो होते हैं, इसमें कौन सी नई बात, देखो घंटी भी बच गई, कि इसमें कौन सी नई बात है जो मैं लोगों को बताऊंगी। लेकिन जितना मैंने क्लोजली देखा लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको वो प्रॉब्लम्स कहते हैं, इतनी छोटी छोटी हैं और वो छोटी छोटी चीज़ों से सॉल्व हो सकती हैं। आपने देखा होगा मैंने बहुत दिन से कोई लेसन नहीं डाला इस पे चैनल पे। आपको पता है मुझे ऐसा, मैं डालूंगी ऑब्वियसली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग सिर्फ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू कर देना, आपको मेरी टीचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी लाइफ में खुद ही इतनी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, खुद ही इतना ज़्यादा रूटीन आ जाएगा। आप अगर एवरी ग्रेटिट्यूड वीडियो देखते हो आप रोक ही नहीं पाओगे, पाँच में छठे दिन आपको उठ के करना ही पड़ेगा ग्रेटिट्यूड। तो बस यही मेरा पर्पज़ है कि प्रभु ने हमें जो दिया है उसके लिए हम उनका थैंक्स करें और अपना जीवन जिए बहुत ही अच्छे से। अच्छी भावना, अच्छी पॉजिटिविटी कब आती है? जब हमारे पास जो है उसके लिए हम थैंक्स करते हैं। इसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई हाँ जो आपके पास है वहीं रुक जाओ, लेकिन सिर्फ भाग दौड़ करके कुछ पाना, किसी के साथ बुरा करके कुछ पाना, किसी के साथ धोखा करके कुछ पाना, खुद को चलाक समझना, यही सब चीज़ें नहीं है लाइफ में, है ना। जब हम ये एहसास कर लेते हैं कि हमसे ऊपर भी कोई है, हमसे बियॉन्ड भी कोई है, जो हमेशा हमारी हेल्प कर रहा है, जो हमारे हमेशा हमारी सुन रहा है, जो हमें हमेशा देख रहा है, तो अपने आप ही जो मंद भाव है वो मन में आते ही नहीं है ना।
तो हमें कभी भूलना ही नहीं चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए उस यूनिवर्स का, उस प्रभु का थैंक्स करना। और जब भी मौका मिले बिल्कुल जो भी आप काम करते हो, अगर मेरी तरह ऊँची ऊँची नहीं बोल सकते तो आप जो भी काम कर रहे हो धीरे धीरे बोलो, खाना बना रहे हो और आपकी फैमिली को भी फ़ायदा होगा, आप जो भी काम कर रहे हो वो फीलिंग ग्रेटिट्यूड की उसी में जाएगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं थैंक्स करने के लिए। हे प्रभु थैंक यू सो मच मेरे पैरों को सलामत रखने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी पूरी बॉडी को सलामत रखने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे श्वास देने के लिए जिससे मैं एक और दिन देख पाई, जिससे मैं एक और दिन को अपनी मर्जी से जी पाई, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस फ्रीडम के लिए कि मैं जिस तरह से चाहूँ अपना जो दिन है वो जी पाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी कृपा का तो कितना थैंक्स करें उतना ही कम है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। के सामने नीम का पेड़ है और नीम का पेड़ तो आपको सबको पता है कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आज घरों में गायब होता जा रहा है तो मैं सभी को ये सजेस्ट करूँगी, मुझे पता है सब लोग कहेंगे गमले में नहीं चलता, लेकिन ना होने से तो अच्छा है ना, गमले में आप लगाइए और अपने आसपास जहाँ भी लगा पाएँ बहुत अच्छा है। इस स्टेट में मेरा मूव होने का एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि इस स्टेट की गवर्नमेंट ने, मैंने आपको शायद पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था या फिर व्लॉग चैनल पे देख लेना, लाइफ बॉय वंडर नारी पे किसी वीडियो में शेयर किया था एक स्क्रीनशॉट कि यहाँ स्टेट की गवर्नमेंट ने ये वाले जो नीम के प्लांट्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। हमारे ही अंकल हैं वो 40-45 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में आ गए थे, कल ही उनसे मुलाकात हुई थी, नॉर्मली होती रहती है, और उन्होंने बताया कि वो लोग थे जब काउंसिल में थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नीम का पेड़, तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें थे वो। तो मुझे आश्चर्य नहीं है, यदि हमें पता होगा तो ही तो हम ये सारे काम कर पाएंगे ना, तो हम अपने बच्चों को बताएं जो हमारा रिच हेरिटेज है, जो हमारा भारतीय सभ्यता है, आयुर्वेद है, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हमें दी गई हैं और हम भाग रहे हैं बाकी चीज़ों की तरफ, तो हमारे पास जो अपनी चीज़ें हैं उनका ग्रेटिट्यूड करें, हम अपने पूर्वजों का ग्रेटिट्यूड करें जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें बुक्स में लिखी हैं, जिनको हम चाहें तो पढ़ सकते हैं चाहें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बुक्स तो 100 साल से हमारे आसपास है, 1000 साल से हमारे आसपास है, लेकिन कोई चुनिंदा होता है जो इतना करेज उठा पाता है कि मुझे बाकी चीज़ों से समय निकाल के ये बुक्स पढ़नी है। चलो बात किसी और डायरेक्शन में चली गई लेकिन गहराई इसमें भी है अगर आप समझ पाओ तो। बस मैं आपका सभी का बहुत 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 ज़्यादा थैंक्स करना चाहती हूँ आपको के साथ, हम साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।